दोस्तों यह है BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्टॉक। यह कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है और इसने पिछले एक साल में 13.8% का डिविडेंड यील्ड दिया है। यानी अगर आपने इस स्टॉक में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको लगभग 14,000 रुपए का तो डिविडेंड ही मिल गया होता। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है और इसमें आपको पैसे लगा देने चाहिए क्योंकि इससे हर साल आपको एक रेगुलर इनकम होगी। लेकिन ये सिर्फ इस स्टॉक की आधी कहानी है। पूरी कहानी यह है कि इसने पिछले एक साल में -34.2% के रिटर्न्स दिए हैं। यानी अगर आपने इसमें एक साल पहले पैसे लगाए होते तो उसमें 34.2% के आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलते, मतलब 1,00,000 के घटकर 66,000 ही बचे होते। तो अगर आपको वो 14,000 का डिविडेंड मिल जाता तब भी आपको लगभग 20,000 रुपये का नुकसान होता इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद। यहाँ पर आप इस स्टॉक की प्राइस भी देख सकते हैं कि एक साल पहले इसकी प्राइस थी 481 रुपीज़, जबकि अभी इसकी प्राइस घटकर 317 रुपीज हो चुकी है। तो यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा गिरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पूरे साल ये स्टॉक थोड़ी रखूंगा, जब भी ये कंपनी डिविडेंड देने वाली होगी तब इसमें इन्वेस्ट करूंगा और जब डिविडेंड मिल जाएगा तब इसे बेच दूंगा। तो इस केस में आपको प्रॉफिट हो गया है लॉस, वो बताने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि वॉरेन बफेट, जो कि वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, वो इतने सक्सेसफुल कैसे बने हैं, किस तरह से वो इन्वेस्ट करते हैं, उनका अप्रोच क्या होता है, तो इस टॉपिक पर कुको एफएम में एक ऑडियो बुक है जिसका नाम है बफेटोलॉजी। इसमें वॉरेन बफेट के ट्रेडिंग सीक्रेट बताए गए हैं, तो आप इस ऑडियो बुक को जरूर सुनें। इसको सुनने के लिए आप कुको एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म है जहां पर 4000 आर्स से भी ज्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है जिसे आप हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। और अभी तो कुको एफएम पर हर घर में कुको एफएम ऑफर चल रहा है जहां पर 11 जून से 19 जून तक एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी 399 रुपीज वाला सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगा। इसके लिए आपको घर 50 कोड डालना होगा और साथ ही आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करके पर रेफर पर 100 रुपीज भी अर्न कर सकते हैं। तो कुको एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जरूर चेक करें। अब दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को डिविडेंड मिलने से पहले खरीदते हैं और डिविडेंड मिलने के बाद बेचते हैं तो इस केस में आपको प्रॉफिट हो गया लॉस, वो देखते हैं। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि 11 नवंबर 2021 को इसकी एक्स डिविडेंड डेट थी, तो उस दिन ये स्टॉक 1.55% गिरा था। उससे पहले 16 सितंबर को इस स्टॉक की एक्स डिविडेंड डेट थी और उस दिन ये स्टॉक 10% से भी ज्यादा गिरा था, मतलब बहुत बड़ी गिरावट हुई थी उस दिन। और उस दिन इसने डिविडेंड भी बहुत बड़ा दिया था, लगभग 35 रुपीज का डिविडेंड दिया था उस दिन इस स्टॉक ने। इससे पहले इस स्टॉक ने 25 मार्च को डिविडेंड दिया था और उस दिन भी इस स्टॉक की प्राइस 2.45% गिरी थी। और उससे पहले इसने 17 फरवरी को डिविडेंड दिया था और उस दिन भी इस स्टॉक की प्राइस 2.56% गिरी थी। यानी जब भी ये स्टॉक डिविडेंड देता है या फिर कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है तो उसके बाद उसके शेयर की प्राइस गिर जाती है। और इसके पीछे का रीजन यह है कि जो भी डिविडेंड वो कंपनी दे रही है वो उसके रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। तो जब कंपनी डिविडेंड दे देती है तो उसके बाद उसके जो भी रिजर्व्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइस गिरती है। बट अगर कंपनी अच्छी है तो थोड़े टाइम बाद रिकवर भी हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर खरीदते हैं और एक्स डिविडेंड डेट के बाद बेच देते हैं ये सोचकर कि आपको डिविडेंड मिल जाएगा, तो तब भी इस केस में क्योंकि उस शेयर की प्राइस गिर जाएगी तो आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब ये सुनकर तो आपको लग रहा होगा कि ये डिविडेंड बहुत बेकार चीज़ है, डिविडेंड लेने पे नुकसान ही हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डिविडेंड के लिए अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अभी ये डिविडेंड आपके लिए कुछ खास नहीं होता है और हो सकता है कि सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज़्यादा डिविडेंड आपको हर साल आए। मतलब अगर आपने आज 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो हो सकता है आज से 5 या 7-8 साल बाद आपको 1,00,000 रुपये सालाना का डिविडेंड ही मिल रहा हो। मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा का डिविडेंड मिल रहा हो और उससे ज्यादा आपकी प्राइस हो चुकी हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है वो जानने के लिए हमें इस स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस देखनी होगी। तो अब अगर इस स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो यहां पे आपको दिखाई देगा कि 30 अगस्त 2013 को इसके एक शेयर की प्राइस 91 रुपीज थी, यानी 100 रुपए से भी कम थी। तो अगर आपने इस दिन इस स्टॉक में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते या फिर 100 रुपए की प्राइस में भी इन्वेस्ट किए होते तो आपको 1,000 शेयर्स मिलते। अब ये 1,000 शेयर्स अगर आपने अभी तक होल्ड करके रखे होते तो अभी उनकी प्राइस होती 3,17,000 रुपीज, यानी आपके 1,00,000 के बढ़कर 3,17,000 रुपए हो गए होते। और क्योंकि आपके पास 1,000 शेयर्स हैं तो अब देखते हैं कि आपको कितना डिविडेंड मिला होता। तो अगर आप 2021 के हिसाब से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा
देखिएगा कि 2021 में इस स्टॉक ने 5 बार डिविडेंड दिया है जो कि टोटल 84 रुपीज का है, यानी अगर आपके पास 1000 शेयर्स होते तो आपको 84,000 रुपीज का डिविडेंड मिलता, जबकि आपने सिर्फ 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो आपको इस साल 84,000 रुपीज का डिविडेंड मिल गया होता और इसके बाद शायद और भी ज्यादा डिविडेंड मिलता और एक टाइम हो सकता है कि आपको 1,00,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड मिले। तो अगर आप कभी भी डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ है जो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब भी आप डिविडेंड लेते हैं तो डिविडेंड में आपको टैक्स भी देना पड़ता है, इसलिए आजकल ज़्यादातर जो कंपनीज हैं उन्होंने डिविडेंड देना कम कर दिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शेयर्स होते हैं वो उनके प्रमोटर्स के पास होते हैं, तो जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो उसके प्रमोटर्स को भी वो पैसा मिलता है और उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है जिस पर उन्हें टैक्स चुकाना पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर कंपनीज ने आजकल डिविडेंड देना कम कर दिया है। तो आप भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तभी आप डिविडेंड के बारे में सोचें, और अगर डिविडेंड नहीं भी मिलता है किसी स्टॉक में लेकिन उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने में कोई भी बुराई नहीं है। अब दोस्तों ऐसे ही जब कोई कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है या फिर किसी स्टॉक में स्प्लिट होता है तो बहुत सारे नए लोगों को लगता है कि अगर वो बोनस से स्प्लिट से पहले उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेंगे तो उन्हें प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जब भी कंपनी बोनस देती है या फिर स्टॉक में स्प्लिट होता है तो आपके नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ जाते हैं लेकिन शेयर की प्राइस घट जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कंपनी 1:1 का बोनस डिक्लेयर करती है तो आपके पास उस कंपनी के जितने शेयर्स होंगे आपको उतने ही शेयर और मिल जाएंगे लेकिन शेयर की प्राइस आधी हो जाएगी। जैसे अगर आपने किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदे हैं 10 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, यानी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज है, तो 1:1 का बोनस मिलने के बाद आपके 10 शेयर बढ़कर 20 हो जाएंगे लेकिन शेयर की प्राइस भी 10 रुपए से घटकर 5 रुपए हो जाएगी। तो पहले आपके पास 10 रुपए वाले 10 शेयर थे, अब 5 रुपए वाले 20 शेयर होंगे, तो दोनों ही केस में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ केसेस में प्रॉफिट हो जाता है क्योंकि जब शेयर की प्राइस घटती है तो नए इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को सस्ता समझकर उसे खरीदते हैं जिससे उसकी डिमांड बढ़ती है और प्राइस भी बढ़ जाती है, ऐसा देखने को मिला है। बोनस की ही तरह जब किसी स्टॉक में स्प्लिट होता है तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाते हैं लेकिन शेयर की प्राइस घट जाती है, जिसकी वजह से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेम रहता है लेकिन स्प्लिट के केस में स्टॉक की फेस वैल्यू भी कम कर दी जाती है जबकि बोनस के केस में फेस वैल्यू सेम रहती है। बस बोनस और स्प्लिट में इतना ही फर्क है, अदरवाइज दोनों में ही स्टॉक की प्राइस स्प्लिट या बोनस के रेशियो के हिसाब से कम हो जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई स्प्लिट या बोनस मिलने से पहले उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता कि अगले दिन ही पैसा डबल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जब भी स्टॉक में स्प्लिट या बोनस डिक्लेयर होता है तो उसके बाद पूरे चार्ट में उस स्टॉक की प्राइस एडजस्ट कर दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए 24 अगस्त 2020 से पहले आइशर मोटर के एक शेयर की प्राइस 25,000 रुपीज़ के आसपास थी, फिर उस स्टॉक में 1:10 के रेशियो में स्प्लिट हुआ और जिसके पास आइशर मोटर का एक शेयर रहा होगा उसको 10 शेयर मिल गए होंगे और उसकी प्राइस 25,000 रुपीज़ से घटकर 2,500 रुपीज़ पर शेयर हो गई थी। लेकिन अब अगर आप आइशर मोटर का चार्ट देखेंगे तो आपको चार्ट में कहीं पर भी आइशर मोटर्स की प्राइस 25,000 रुपीज़ नहीं दिखाई देगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी उस शेयर की प्राइस 25,000 रुपीज़ थी, क्योंकि पूरे चार्ट में ही प्राइस को एडजस्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ डिविडेंड देने के लिए एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर खरीदकर आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा आपको हर साल डिविडेंड मिल सकता है। और आपको आज ये भी क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक स्प्लिट या बोनस मिलने से आपको डायरेक्टली कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो सिर्फ डिविडेंड या बोनस के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें, ये कोई भी बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।